हेलो एंड वेलकम टू आर के एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टेम इंस्ट्रक्टर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे सुरक्षित होंगे और पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी तो DSS भी होने वाले हैं और फिर और भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे SSC, SCHSL, CGL है, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बुक ख़रीदने के लिए सर इसाक पिटमैन वाली, आई होप आपने ख़रीद ली होगी। और जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक कराए हैं, आई होप आप सब उससे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब तक मैं आप लोगों को 8 चैप्टर और प्लस में सिलेबस पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमने अलग अलग चैप्टर्स किए थे। तो अभी हम 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लार्ज सर्कल, SW, SS एंड SZ। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। अ लार्ज इनिशियल सर्कल इज SW। अगर कोई भी सर्कल इनिशियली आ रहा है लार्ज सर्कल, तो वो SW साउंड देगा। इफ़ अ वोवल कैन नॉट बी रिटर्न टू अ सर्कल, अगर कोई सर्कल के अंदर वोवल नहीं लिखा जाता है, तो वहाँ पे हम स्ट्रोक, पूरा W का स्ट्रोक लिखते हैं, ना कि SW का स्ट्रोक। यानी कि देखो, अगर इनिशियली सर्कल लार्ज सर्कल आ रहा है, तो SW है, तो हम स्वीट बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? S और T, लार्ज सर्कल में ST बनाएंगे और ये हमारा स्वीट हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड अगर हम स्वैम लिखते हैं, स्वैम, तो SW का लार्ज सर्कल और M स्वैम हो गया हमारा। नेक्स्ट था, अगर कोई भी वोवल नहीं, हम सर्कल में नहीं लिख सकते, तो हम वहाँ पे W का स्ट्रोक बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखो, अगर हमें लिखना है स्वे, स्वे लिखना है, तो S का स्मॉल सर्कल और फुल W बनाएंगे, ये हमारा स्वे हो गया। अगर हमें लिखना है स्वे से, सुआ सिव लिखना है, तो SW, S और V, ये हमारा सुआ शिव हो गया। यानी कि देखो, अगर कभी भी लार्ज इनिशियल सर्कल आ रहा है, तो SW की साउंड देगा। तो जैसे देखो, स्वीट में SW का लार्ज सर्कल बनाया और T बनाया हमने, ये स्वीट हो गया। स्वम में SW का सर्कल बनाया और M बनाया, ये स्वम हो गया। अगर हम सर्कल के अंदर हम वोवल नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे हम W का फुल स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे स्वे लिखना है, S बनाया और W का फुल स्ट्रोक बना, स्वेसिव बनाना है, S बनाया, W बनाया, S बनाया और V बनाया, ये हमारा स्वेसिव होगा और ये हमारे वोवल लग गए। नेक्स्ट रूल है, अ लार्ज मिडल और फाइनल सर्कल रिप्रेजेंट द लाइट और हैवी साउंड ऑफ SS विद द इंटरव्यूइंग वोवल। अगर कोई भी लार्ज सर्कल मिडल में और फाइनल में आ रहा है, तो वो SS की साउंड देगा इंटरव्यूइंग वोवल के साथ में। यानी कि देखो कैसे, अगर हम लिखते हैं पासिस लिखते हैं, तो कैसे बनाएंगे? P बनाया और S का डबल सर्कल बना दिया हमने, ये हमारा पासिस हो गया, क्योंकि SS आ रहा है, S यहाँ पे भी आ रहा है और S आ रहा है, तो डबल S आ रहा है, तो पासिस बनाएंगे। जैसे हम बनाते हैं नेसेसिटी बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? N बनाया, S बनाया और फिर S को डबल बना देंगे, क्योंकि दो S आ रहे हैं, तो ये हमारा नेसेसिटी हो गया। देखो, SS आ रहा है दो बार, तो NS और ST, यहाँ पे भी S और ये यहाँ पे भी S का वो ला रहा है। और क्या बना सकते हैं? जैसे एग्जिस्ट कैसे बनेंगे? X और SS और T, एग्जिस्ट, ठीक है, ये हमारा वर्ड हो गया। और क्या बना सकते हैं हम? जैसे कोजिस लिखते हैं, CAUSES, कोजिस, तो K बनाया और SS डबल बना दिया और ये O का वो वाला लगा, ये हमारा वर्ड हो गया कोजिस। जैसे हम लिखते हैं पोजेसिव कैसे बनाते हैं? P बनाया, S और S का वो बनाया और V हमने बना दिया, ये हमारा पोजेसिव हो गया। एक रूल क्या था, अगर लार्ज सर्कल मिडल और फाइनल में आ रहा है, तो वो SS की साउंड देगा इंटरव्यूइंग वोवल्स के साथ में। जैसे हमने पासिस बनाया, P बनाया और S को लार्ज सर्कल बना दिया,
नेसेस्टी में एन बनाया, लार्ज सर्कल एस बनाया और टी बनाया नेसेस्टी ऑफ। एग्जिस्ट बनाया एक्स बनाया, एस एस का साउंड बनाया और टी बना दिया, एग्जिस्ट हो गया। कोजिस में के बनाया और एस एस का सर्कल बना दिया। पोजेसिव में पी बनाया, एस एस का सर्कल बनाया और वी बना दिया, ये हमारा पोजेसिव हो गया। नेक्स्ट रूल है, अ रूट वर्ड एंड्स विद स्ट्रोक एस, द प्लुरल पोजेसिव और थर्ड पर्सन सिंगुलर इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ सर्कल एस। अगर किसी भी रूट वर्ड में स्ट्रोक एस बन रहा है तो वहाँ पे हम लास्ट एडिशन, हम एस की भी एडिशन कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हम पॉलिसीज लिखते हैं, पॉलिसी लिखते हैं, पॉलिसी, पॉलिसी में कैसे बनाएंगे, पी बनाया, एल बनाया और यहाँ पे हमने एस बना दिया, ये हमारा पॉलिसी हो गया। जैसे जेलसी लिखते हैं, जेलसी, जेलसी लिखते हैं हम, जे बनाया, एल बनाया और यहाँ पे सी बनाया, ये हमारा जेलसी हो गया। और क्या बना सकते हैं, ल्यूसी, ल्यूसी, एल बनाया और एस बनाया, ये हमारा ल्यूसी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है, अ रूट वर्ड एंड्स विद सर्कल एस, द प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ सर्कल एस एस। हम एस एस का सर्कल उसमें एडिशन में ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं वो हम, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पोजिस, पी ओ डबल एस ई डबल एस, पोजेसिस आ रहे हैं, पी बनाया, एस बनाया, एस का सर्कल बनाया और फिर एस बना दिया, ये हमारा पोजेसिस हो गया। पोजिस लिखते हैं, पी ए यू एस ई एस, पोजिस, पोजिस में हम पी बनाते हैं और एस एस को हम डबल सर्कल बना देते हैं। नेक्स्ट है अगर एक्सेस लिखते हैं, एक्सेस तो कैसे लिखते हैं, एक्स बनाते हैं, एस बनाते हैं और एक्सेस हो गया, ये हमारा